हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राइड रेसिपी। फ्रेंच फ्राइड बनाने के लिए हम 4 मीडियम साइज के आलू लेंगे और हम इसे अच्छी तरह से छील लेंगे। इसे हम अच्छी तरह से छील लेंगे एक एक करके। हम इसे पूरा छील के इसे कटिंग करेंगे। इसे लंबे लंबे पीस में कटिंग करेंगे। सारे आलू को सही कटिंग कर लेंगे। पूरे वाले आलू को पीस बना लेंगे। आधा चम्मच नमक मिलाएंगे और इसे अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे अच्छे तरीके से। हम इसे अच्छी तरह से धो के किसी हम इसे सूती कपड़े पे रख के इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। पूरी अच्छी तरह से इसमें नमी निकाल लेंगे। तेल को अच्छी तरह गरम कर लेंगे और हम इसे पहले चेक करेंगे तेल गरम हुआ है या नहीं। हम इसे निकाल के निकाल देंगे इसको। अब हम इसमें पूरा डाल के छान लेंगे। तो बराबर चलाएंगे। हम इसे बादामी कलर तक बनाएंगे और इसे बराबर चलाएंगे। अब हम इसे निकाल देंगे। फ्रेंच फ्राइड बनके तैयार हो गया। हम इसे टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। और आप सब भी ट्राई कीजिए फ्रेंच फ्राइड रेसिपी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।